अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे। और जब भी मैं ये बोलती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल विश करती हूँ कि आप सब सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, कोई बीमार ना हो, खुश हो अपने घरों में, किसी को कोई परेशानी ना हो। और अगर किसी को कोई परेशानी है भी या कोई टेंशन है भी, तो अल्लाह पाक उसकी वो परेशानी टेंशन दूर कर दे, आमीन। तो हम लोग जी आए हैं नाश्ता करने, जुम्मे का दिन है। और आज इस मैंने बोला कि आओ तो मैं तुम्हारा फेवरेट नाश्ता करवाता हूँ, जो कि है पूरी हलवे का नाश्ता। अगर मैंने बाहर सा नाश्ता करना है और मेरा एक ही फेवरेट नाश्ता है, वो है पूरी हलवा। तो ये है जी लाहौरी चस्का, जो कि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी। मैंने कहा यहाँ पर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। पता चला जी उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया है और सिर्फ चाय और पराठा अवेलेबल है, अंडा वगैरह। तो फिर हमने कहा कहीं और चल के नाश्ता कर लेते हैं। एक और रेस्टोरेंट मैंने देखा था नेस्टो के पास, जो कि था शेरे पंजाब। तो मैंने कहा वहाँ पे चले जाते हैं, वो भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से मिल सकता है नाश्ता। तो रास्ते में पहले हमने एक चाय ब्रेक ली है, क्योंकि काफ़ी जल्दी हम लोग उठ गए हैं। 8 बजे का टाइम है अभी, और रात को काफ़ी लेट सोए थे, वीकेंड था। तो इसलिए मैंने कहा एक चाय पी लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ना ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाए, बॉडी भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर जी पाकिस्तानी नाश्ते की इतनी डिमांड नहीं है, दो ही रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से एक रेस्टोरेंट तो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे मुझे फ्रेश नाश्ता मिलता है, और एक जो है वहाँ पे कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता। उनका क्वालिटी का सीन ना थोड़ा अप एंड डाउन ही रहता है। तो मैंने कहा कि वहाँ दूर जाने से अच्छा है जो अभी घर के पास नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, आज उनको ट्राई करते हैं। एक तो बंद हो चुका है, अभी चाय लेकर हम जा रहे हैं दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ, कि वहाँ जाकर अपनी लक ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी खानों की इतनी डिमांड नहीं है। यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट्स अच्छे खुलते भी हैं ना, कुछ टाइम के बाद उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा होता या वो सेल नहीं हो रही होती, तो बंद हो जाते हैं। लाइक बहुत कम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं या करते हैं। अदरवाइज़ तो मैंने जब भी कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ट्राई किया, वो 1 साल 2 साल बाद बंद ही हो जाता है। तो ये है जी शेरे पंजाब, तो ये है मॉल ऑफ मस्कत वाले रोड पर है। तो मैंने कहा यहाँ पर ट्राई करते हैं। वहाँ पर गए, वहाँ पर भी पता चला कि मॉर्निंग में सिर्फ अंडा पराठा चाय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर हमने कहा वही हमारी ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता प्लेस पर चलते हैं, जो कि है सीप सूक। तो चले जी वहाँ चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लोकेशन में शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस कॉफी शॉप की। ये सीप सूक बाजार में हमने NBO बैंक है, उसके सामने ही जी एमन अल मगरबी का परफ्यूम स्टोर है, उसके बिल्कुल साथ ये छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, बहुत छोटे साइज़ की है, लेकिन ये पाकिस्तानी कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, हलवा पूरी, आलू का पराठा, और साथ में दोपहर में आपको दही बड़े, फ्रूट चाट, सारी तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। तो दोपहर शाम में तो वो समोसे वगैरह मिलते हैं, और दिन में आपको ये नाश्ता मिलता है। और ये 40 से 45 साल पुरानी शॉप है। मेरे हस्बैंड अपने बचपन में यहाँ पर आते थे नाश्ता करना, और वो बोलते हैं सेम तब से लेकर अब तक ये वैसी की वैसी ही है। और इनका जो नाश्ता की क्वालिटी होती है, वो 10/10 होती है। बहुत मज़े का नाश्ता होता है, गर्म गर्म बना कर देते हैं। तो बस जी वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे बीच साइड पर, हमने कहा काफ़ी टाइम से हम लोग इस साइड पर नहीं आए, मछलियों का खाना डालने वगैरह, तो हमने कहा वो डाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस साइड पर आए हैं। और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बिल्कुल खाली है बीच, और धूप भी निकल आई है। और फ्राइडे को तो वैसे भी धूप थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो हमने खाना डाल दिया, तो हमने कहा हम थोड़ी सी यहाँ पे वॉक करते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे 10 मिनट से भी ज़्यादा रुकने वाली हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक राउंड लगाते हैं, और फिर मुझे रास्ते में रुकना है लूलू वापस, सिर्फ मेरा 5 मिनट का काम है, मुझे एक चीज़ पिक करनी है, तो वो पिक करते हैं और फिर जाएंगे घर। You kissed me.
जी सुबह तो नाश्ता करने के बाद हम लोग घर गए, जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि नाश्ता वो सो हैवी और सो फिलिंग माशाल्लाह कि उसके बाद किसी चीज़ की तमन्ना नहीं थी। तो हम लोग आराम से सो कर उठ कर अभी तैयार होकर घर से निकले हैं। रास्ते से हम लोगों ने गेम चाय ली है, साथ में है जी ये क्रोसन है क्रैब का, बहुत मज़े का होता है ये, चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है। और रोड साइड पर यहाँ पे एक रोड साइड है जहाँ पर सब लोग अपनी गाड़ियाँ पा करके चेयर्स लगा कर या तो बारबेक्यू कर रहे होते हैं या तो पिकनिक मना रहे होते हैं। तो हम लोगों को अभी खाने की तमन्ना नहीं थी, हम चाय लेकर अपनी चेयर्स निकाल कर यहाँ पर आराम से बैठ गए हैं और देख रहे हैं जी क्या हो रहा है रोड पे, और टाइम पास कर रहे हैं और चाय साथ में इंजॉय कर रहे हैं। तो सुबह तो इतना मज़े का, नाश्ते का सीन तो इतना मज़े का हो गया था, लेकिन उसके बाद जो पूरी हलवा खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, एक सुस्ती होती है, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो खैर उसके बाद हम लोग तो उठे शाम में और तैयार हुए और निकले घर से, और आज रोड पर इस कदर ट्रैफिक है फिर समझ से बाहर है कि किस वजह से रश। यूजली यहाँ पर रश नहीं होता, लेकिन काफ़ी टाइम से अभी मैं इसी रोड पर हूँ और ट्रैफिक में हूँ और समझ से बाहर है कि क्या हुआ है। तो खैर फिर हमने कहा कि मुझे किसी के बर्थडे पे जाना है और मुझे उनके लिए प्रेजेंट लेना है, तो मैं आ गई हूँ जी अल रेमी मॉल अंदर। हमें बिल्कुल पार्किंग नहीं मिली, इतनी ज़्यादा फुल थी अंदर कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। फिर हमने कहा बाहर की साइड पर गाड़ी पार्क करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद हमें पार्किंग मिली, और आज मैं बिल्कुल फ्रंट साइड से मैंने एंट्री की है। तो यहाँ से एंट्री करें तो आप रूफटॉप पर आते हैं, और इसका रूफटॉप बहुत ही सीन है। और जी मैं ANHI थी प्रेजेंट लेने के लिए, और यहाँ पर आकर पता चला कि कैश बैक की यहाँ पर ऑफ़र है। इतना रश था कि ट्रस्ट मी, चलना और ट्रॉली लेके चलना तो एक आज मिशन था। और अभी बिलिंग के लिए भी मैं पिछले 7 से 8 मिनट से इस क्यू में खड़ी हुई हूँ। तो जी फाइनली इतने इंतज़ार के बाद मेरी टर्न आ गई, और मैं बिल करवा रही हूँ, और मैं रिवील नहीं करूँगी कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि जिनके लिए मैंने प्रेजेंट लिया वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती पहले ही उनको रिवील हो जाए उनका प्रेजेंट। और अभी एक दो दिन है मुझे उनकी तरफ जाना है, लेकिन टाइम मेरे पास आज फ्राइडे का ही था, तो मैंने कहा आज ही ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हस्बैंड तो पहले से बाहर चले गए हैं, क्योंकि अंदर आज स्टोर में इतना ज़्यादा क्राउड है कि AC भी काम नहीं कर रहे, आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई हुई थी और पसीने आ रहे थे। तो मैं तो अभी यहाँ से निकली हूँ बिल करवा कर, और सामने एक शॉप है जहाँ से नट्स वगैरह मिलते हैं, तो मेरी दोस्त उसकी हमेशा तारीफ़ करती है, तो मैंने कहा हस्बैंड को वो ट्राई करवाते हैं, अगर उनको अच्छा लगे तो वहाँ से नट्स ले लेंगे। तो ये बिल्कुल ANH के सामने एक ईरानी शॉप है जहाँ पर मिलते हैं जी सारे नट्स मिलते हैं और हर तरह के हर्ब्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ से मुझे चाहिए काजू, बादाम और अखरोट वगैरह, तो जल्दी से वो लेते हैं और फिर बाहर चलते हैं। सो जी दिल तो आज था कि यहीं पे ही डिनर करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि बाहर चलकर खाते हैं, क्योंकि एक तो टेबल आपको सही जगह पे नहीं मिल रहा था, और अगर टेबल मिल रहा था तो वेटिंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा था।
तो पहले हम लोग इतना इंतज़ार करके इतना ख्वार हुए हैं और आज खाने के लिए तो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सुबह नाश्ते में भी हमने इतनी स्ट्रगल की है। अभी डिनर के लिए हमने दो तीन रेस्टोरेंट से पूछा तो वेटिंग था वहाँ पे भी, तो फिर हमने कहा कि इधर ही आ गए हैं तो आगे अलखोदा वहाँ चलते हैं। तो मेरे देवर ने रिकमेंड किया था कुकूस के बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, तो हमने कहा ये ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुकूस के तक पहुँचना एक मिशन बन गया था, क्योंकि ये सारी जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये कुकूस के लिए खड़ी थी, और यहाँ कुकूस के वेटर तक को बुलाने के लिए ना हमें जगह नहीं मिल रही थी, या पता नहीं चल रहा था कि कैसे उन तक पहुँचे। तो जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे तो पता चला कि 45 मिनट्स का वेट है, क्योंकि जब से बाइकआउट हुआ है मैकडोनल्ड्स का, KFC का और बाकी बर्गर चेन्स का, तो यहाँ पर कुकूस और बूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, और इनका खाना नो डाउट अच्छा भी है। तो फिर उसके साथ ही था पिज्ज़ा इन, फिर मैंने जल्दी से वेबसाइट पर चेक किया कहीं ये तो नहीं सपोर्ट कर रहा, तो पिज्ज़ा इन जो था वो उस लिस्ट में नहीं था, तो मैंने कहा यहीं पर चलते हैं। पिज्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि हस्बैंड भी खा लेते हैं और मैं तो पास्ता खाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और पिज़्ज़ा इन में बिल्कुल भी रश नहीं था, और इतने साल मुझे भी हो गए ओमान में, मैंने हार्डली 2-4 बार खाया होगा, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर मैं थी डोमिनोज की। तो अब यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक तरफ बाहर इसके बिल्कुल साथ कुकूस था जहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, और इसके साथ था ये पिज्ज़ा जहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। पास्ता में तो कोई ना नमक था ना मिर्च थी, लेकिन हॉट सॉस डाल डाल कर मैंने उसको अपने मतलब का बना लिया था। पहले भी यहाँ पर मैं स्ट्रगल करती थी पाकिस्तानी खानों के लिए, अच्छे खाने नहीं मिलते थे, जैसे सुबह भी आपने देखा नाश्ते के लिए। अभी इन चीज़ों के लिए भी ना नए रेस्टोरेंट्स ट्राई कर रही हूँ मैं, और जहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आई विल शेयर विद यू गाइस। लेकिन यह है कि स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई विल सी यू टुमारो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।